टीजीडी पीएचडी मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर 84 का क्वेश्चन नंबर है 16। ठीक है, 15 क्वेश्चन इसके हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। वही हम चल रहे हैं कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन की ओर, जैसे कि आपको ALB TGD का क्वेश्चन है, ANB आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ANB स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन बाई एन, देन ए माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू, ए ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी ऑप्शन ए स्क्वायर माइनस टू बी ए प्लस बी स्क्वायर, एंड डी ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी का जो स्क्वायर है वो इस तरह से सेटिस्फाई होता है, यानी ए बी बराबर बी ए, तब इनमें से ये कंडीशन या ये कंडीशन फॉलो हो सकती है। पर जनरली जब मल्टीप्लाइंग होकर खुलता है ए माइनस बी का स्क्वायर तो इनिशियल पोजिशन ही आती है। तो यहाँ पे हम केवल इनिशियल पोजिशन बता रहा है, क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा कि ए बी इक्वल टू बी ए, ये कॉमटर्ट को म्यूट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन कुछ नहीं कही गई है। तो इसलिए इनिशियल कंडीशन ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इनिशियल ही कंडीशन हम यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि अगली वाली कोई कंडीशन उन्होंने नहीं कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम हो सकता है कि मैंने इसको कर दिया हो पहले, देन ए की पावर एन इज इक्वल टू, ए की पावर एन किसके इक्वल होगा, ए ऑप्शन है 1 0 टू एन वन, एंड बी ऑप्शन है 2 0 एन वन, एंड सी ऑप्शन है 1 0 एंड टू एन माइनस, एंड डी ऑप्शन है 1 0 एन वन। तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और डिटरमिनेंट्स है, सॉल्विंग करना है, केवल डायरेक्टली सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, एंड ऑप्शन को देखते हुए सॉल्व करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ए ए प्लस का टू बी एंड ए प्लस का टू बी ए प्लस का बी एंड ए इज इक्वल टू, ए ऑप्शन है 9a² ए प्लस बी, बी ऑप्शन है 9b² ए प्लस का बी, एंड सी ऑप्शन है ए स्क्वायर ए प्लस का बी। आंसर ये आएगा डी है बी स्क्वायर ए प्लस का बी, एंड ई ऑप्शन अगर लें तो ये हो सकता है 9b² ए माइनस बी। तो आंसर आएगा 9b² ए प्लस बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। ठीक है, तो 19 नंबर में एक सेटिस्फाई क्वेश्चन भी करने के लिए आ जाता है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है ऐसे क्वेश्चन। तो जहाँ पे मैंने देखा पीजीटी के एग्ज़ामों में ऐसा रख देते हैं विच इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तो निकल नहीं पाता है, जैसे कि ये 1 3a² माइनस आइडेंटिटी बराबर 0, ये नेट के एग्ज़ाम में या पीजीटी के एग्ज़ाम में या टीसी में भी रखा मिला है क्वेश्चन। ठीक है, तो इनमें से कोई सा एक ऑप्शन होगा, पहले तो ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर ए क्यूब निकालना पड़ेगा, और वैल्यू ड्रा करने के बाद ही मालूम हो पाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारे को इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। ट्राई कर सकते हैं ए स्क्वायर फाइंड करें, ए क्यूब फाइंडिंग करें, और यहाँ पर वैल्यू रखें तो आंसर जी आएगा। फिर आई इज द आइडेंटिटीज, ठीक है, आई को समझ ही रहे होंगे, आई यहाँ पे आइडेंटिटीज है। 20 नंबर्स बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन होते हैं स्पीड को रोकने के लिए, ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि हो तो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं होगा, सबको आता है, हर कोई कर ले जाएगा, परंतु होगा तो तब जब उसमें कम से कम थोड़ा सा वैल्यू निकालेंगे और टाइम लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन, अरे कोई दूसरा कराओ फिर इस पर आ जाओ, तो ये वो क्वेश्चन है। तो मैं इसी टर्म में एक और क्वेश्चन रख रहा हूँ, जैसे ये हो सकता है कि मैंने पहले दे दिया हो, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना है, इनका स्क्वायरिंग टर्म में दिया हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंडिंग करना है, 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 इस तरह से लिख लें, उसके बाद सॉल्विंग कर लें, डायरेक्टली सॉल्विंग करना है, और सॉल्विंग करके जो आंसर आएगा वो
इसका आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। तो आंसर इसका आना है माइनस का 8, ठीक है। तो ट्राई करेंगे इसको केवल 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इससे डरना ही नहीं है।